परदेसी है, सबको जाना है, सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या जाएंगे, सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या जाएंगे, सब है यहाँ परदेसी, साथ क्या जाएंगे, सब यहाँ परदेसी, साथ क्या जाएंगे, और क्या? अरे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं, और खाली हाथ जाए गुलाब जैसा नहीं, फूल तो मैंने बहुत देखा, गुलाब जैसा नहीं, भक्त तो मैंने बहुत देखा, लेकिन आप लोगों के जैसा इसलिए चंद्रदेव बाबू की धर्मपत्नी का नाम छटिया देवी, जब शादी हुई थी चंद्रदेव बाबू और छटिया देवी की जब शादी हुई थी तो वहां पर सखी क्या कह रही थी, सखी कह रही थी और गांव समाज में भी कहती है, क्या कह रही थी, एक महीना नदी गेलो भैले कांटा, एक महीना नदी गे और यही जब राम और सीता की शादी हो रही थी तो वहां की सखिया क्या कह रही थी, इसमें बच्चे सबको बहुत आनंद आ रहा है इसलिए मैं भी थोड़ी सी पटरी बदल दिया कि चलो बच्चे खुश तो सब खुश, बच्चे रोते हुए घर आते माता पिता को देख क्या हुआ क्यों रो रही हो फल्ला मार दिए, उसके पीछे बड़े भी चले जाते हैं लेकिन बच्चे खुश होकर घर जाते हैं तो माता पिता भी खुश हो जाते हैं। जब सीता की शादी राम से हो रही थी तो वहां की सखियां कह रही थी क्या, एक मैं सीता जी भी है ले राजा भवसागर से पार हो जाते हैं, जितने भी सत्संगी होंगे वो सोचते हैं बाबा किस पटरी पर जा रहे हैं, हम करें क्या, यहाँ का माहौल ही ऐसा, इसलिए उस हम पहले बतला दिए कि जब जैसा तब तैसा, कांधे पर लाठी गुआर जैसा, तो माहौल में ढलना ही पड़ेगा, इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या, कछु लेना नी देना, कछु लेना नी देना, मटन रहे ना छुले ना मटन रहे ना छुले ना
महिला आई और उनके पति साथ में थे। सतगुरु कबीर साहब कहते हुए जा रहे थे, वो महिला क्या कहने लगी। सतगुरु कबीर साहब अपने धुन में मस्ती में चले जा रहे हैं और महिला कहती है, दुनिया को देखकर दुनिया अभी तमाशा बना हुआ है, उसको देखकर महिला कहती है, क्या कहती है, सहजना माहो सहजना माहो अकेले बुलाता पहला, सहजना माहो अकेले बुलाता पहला, सहजना माहो अकेले बुलाता पहला। सहजना माहो जय मकर जी, सहजना माहो बही के ले उलटा परिवार, सहजना माहो बही के ले उलटा परिवार, चले के पुरवा रावा चल के ले पाछिया हो, चले के पुरवा रावा चल के ले पाछिया, सहजना माहो सहजना माहो बही के ले उलटा परिवार, चाहती थी। पति का आदेश हुआ कि तुझे सत्संग बत्संग में नहीं जाना, बहुत सत्संग कर लिया, आज नहीं जाना तो नहीं। बेचारी एक सभा का डंटा ली, बोला जल्दी से घर जाओ, कोई सत्संग नहीं, यहां पर भी बहुत पति कहते होंगे और बहुत पत्नी भी, बहुत घर में पति बहुत घर में पत्नी, क्योंकि माइनस प्लस स्त्री पुरुष दोनों है अपने अपने घर में। पहले देखे जल्दी घर जा, कोई जरूरी नहीं सत्संग जाना। बेचारी डर से चली गई घर और पति देव बाहर वाला दरवाजा बंद करके चले गए धान के खेत घूरने के लिए। जैसे धान के खेत पहुंचते हैं आध आ गया, अरे आगे में तो दरवाजा में ताला लगा दिए लेकिन पीछे वाला तो खुला ही रह गए। और पति को जैसे आध आते हैं कि पीछे वाला तो दरवाजा खुला रह गया, वो दौड़ते हुए आया तो देखा पूरी गले सुगना पिंजरा छोड़कर चली गई सत्संग में, घंटा हाथ में ही थे। गए देखा कि बीच में बैठिए, जाकर दो चार पांच तमाचा लगा दिए हुरा। सभी कहने लगी महिला क्यों मारे, कितना अच्छा सत्संग सुन रही बेचारी, पर सत्संग सुन रही बोले इसको नहीं आने के लिए क्यों सुन रही। थोड़ा साधु संत को देखा तो दिमाग कुछ शांत हुआ, कहा अच्छा तू बताओ क्या सुनी सत्संग में, बोला चलिए बताएंगे। इसी तरह हमारे दमोदर जी हारमोनियम बजाते, इसी तरह वो मंच पर आई और हारमोनियम बजाने लगे और कहने लगे, शब्द वही है थोड़ा सा अंतर है। महिला कहती है तो क्या कहती है, कहती है सहजना माहो सहजना माहो काली ललकै मनावा हमार, सहजना माहो काली ललकै मनावा हमार। इतना सा कहती है कि सजनमा हो हरी ललकै मनवा हमार,
पति के हाथ में डंटा था ही, पांच डंटा कस के दिया। जन्मा हरी लेके मनवा हमार, हम की टिटवा लेंगे, हम टिटवा लेंगे। अब साधु बाबा मंच पर बैठे थे कि क्या हुआ बाबा, कहने लगे उस पति को बाबा, बाबा बाबा को कहते हैं उसके पति को, क्या हुआ बाबा, बहुत सुंदर भजन सुना रही थी, आप क्यों मारे इसको। बोलो सत्संग सुना रही थी, क्या कर रही थी बाबा, आप नहीं सुने। बोलो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, सजनमा हरि लेके मनमा हमार है। इसका कहना है सजनमा हरि लेके मनमा, यानी आप लोग बाबा हमारी पत्नी का मन हर लिए तो हम लोग क्या क्या करेंगे, छौवा डेंगे कि बालू नापेंगे। तब पत्नी कहती है कि ऐसी बात नहीं, मैंने तो वो नहीं कहा। बोला तब तुम क्या कर रही थी, आगे बताओ क्या कर रही थी। बोला देखिए मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी, कचरे थे, लफड़े थे, वो सब साफ हो गया, सब बाबा ने हर लिया। अब मैं स्वच्छ पवित्र गंगा जल की तरह हो गई हूँ, इसलिए आज तक मैंने अपने सासू को पानी दिए करिए गिलास, बोला नहीं। ससुर की सेवा की, बोला नहीं। आपको कभी प्यार दिए, बोला नहीं। बेटे बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, बोला नहीं। बोला लेकिन अब सब करेंगे, क्योंकि सत्संग मैंने सुन लिए, ये सत्संग का प्रभाव है।